अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते फ्रेंड। मैं हूँ रमेश बाबू, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। आज मैं आप लोगों को इंडियन राजस्थानी जो छोटी कमीज़ पहनते हैं पजामे के ऊपर, उसकी कटिंग का तरीका बताऊंगा और आसानी से समझाऊंगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड इंडिया से मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है और मेरे को कमेंट भी किया हुआ है कि हमारी जो कटिंग राजस्थानी में हम पहनते हैं तो उसका वीडियो बना के आप अपलोड करें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। तो इसकी कटिंग भी मैं अभी समझाऊंगा और बाद में इसकी टिचिंग जो करेंगे हम तो पार्ट टू में वो भी बताएंगे हम। तो अभी आज हम इसकी कटिंग आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड। प्रेस किया हुआ है हमने इस कपड़े को, ये वाइट कलर का कपड़ा है, बारीक बारीक काटन है। तो हम आपको ये मैं तीरे में काटने वाला हूँ आज, मैं बगैर तीरे की कटिंग करता रहता हूँ तो तीरे में काटना वाला हूँ। तो आपने ये चेक कर लेना है, इसका जो कलर है 14.5 का है। तो हम एक की मदद से लेते हैं जैसे, तो 2.5 यहाँ से आ रहा है फ्रेंड और 14.5 का यहाँ पे रखते हैं हुए, तो 2.5 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं निशान लगा लूँगा, आपको चेक करवा लेता हूँ फ्रेंड। इस तरीके से निशान लगा लूँगा 2.5 पे। तो फ्रेंड ये इसमें कलर लगाने वाले हैं तो हम इसको ऐसे शेप देने वाले हैं, चेक कर लो, ये वाली शेप देने वाले हैं। कलर लगाएंगे फ्रेंड तो हम ये शेप देंगे। और इसका तीरा जो है फ्रेंड 16.5 का है, तो मैं 8 पे निशान लगाऊंगा क्योंकि ये मैं कम करके काटने वाला हूँ। इसका जो मार्जिन है वो नहीं छोड़ने वाला, मैं मार्जिन से भी 3 सूत्र कम काटने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 पे निशान लगा लूँगा। उसको जो मैं डाउन करने वाला हूँ फ्रेंड वो 2.25 पे करने वाला हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड हम अब यहाँ से इसकी जो चेस्ट बन रही है वो 34 इंच की है, तो हम इसको भी 8 पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये यहाँ पे लगा लूँगा एक निशान और एक निशान यहाँ पे, यहाँ से लेते हुए फ्रेंड 8 पे मैं लगाऊंगा चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी निशान लगा लूँगा मैं और इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ फ्रेंड कुछ इस तरीके से। और इसको भी फ्रेंड स्ट्रेट कर लेते हैं फ्रेंड। इसकी चेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा इसको तकरीबन 1 इंच तक अंदर जाएंगे इस तरीके से, एक अंदर जाएंगे। और फ्रेंड इसकी जो घेरा है 21 इंच का है, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे 10:45 पे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड इसकी जो घेरा है वो कमर घेरा हम नीचे लगाएंगे, कमर जो है फ्रेंड इसको 19 की है, तो हम यहाँ से 9 इंच नीचे जाएंगे। फ्रेंड इसकी जो लेंथ है कम होने वाली है, तो ये थोड़ी कटिंग मतलब है, मैं आपको बताऊँगा एंड में। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 9 पे और इसका जो घेरे का निशान लगाएंगे वो भी नीचे 9 पे जाएंगे हम इधर इस तरीके से। तो फ्रेंड ये निशान मैंने लगाया हुआ है इसकी लेंथ का, तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको हमने स्ट्रेट किया हुआ है, चेक कर लो, ये हमारे घेरे की लकीर आ गई है, ये कमर की आ गई है, ये हमारी चेस्ट की लकीर आ गई है फ्रेंड। तो हम आपको यहाँ से हमारा जो कमर है 19 की है, तो हम 3 इंच इसमें ऐड करेंगे और इसको 10:45 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमारा घेरा है 21 का है फ्रेंड, तो हम इसको 3 सूत्र ऐड करते हुए 10:45 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे 10:45 पे इस तरीके से। और फ्रेंड अभी इसको हम यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंड हम इसको अभी शेप देंगे आस्तीन का, जो कुछ इस तरीके से देने वाले हैं। तो फ्रेंड आजकल कर्व वगैरह आए हुए हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये तरीका जो हाथ का होता है ये इस्तेमाल करें, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको आसानी रहेगी फ्रेंड। तो ये शेप चेक कर लो फ्रेंड। तो अभी इसका जो आस्तीन की जो आर्मोल की गोलाई है वो 8.5 पे रखनी है, तो अभी चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो हमारी ये 8.5 पे ओके आ जाएगी, ये चेक कर लो फ्रेंड, 8.5 पे आ रही है, बिल्कुल ओके आ रही है चेस्ट के हिसाब से, बिल्कुल ओके आ रही है। तो फ्रेंड मैं अभी इसको आपको इसका निशान भी चेक, जैसे कि ये हिप कर्व है तो इससे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, निशान मिला लेते हैं फ्रेंड, चेक कर लें, ऐसे मिला लेंगे। थोड़ा यहाँ से ऐसे शेप देना पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि साइड पॉकेट में जब हम पर्स रखते हैं या मोबाइल रखते हैं तो फिर हमारे को परेशानी हो जाती है, तो इसका शेप इस तरीके से दे देना चाहिए फ्रेंड, तो हमारे को आसानी हो जाएगी। और इसका शेप हम दे देते हैं यहाँ से सीधा कुछ इस तरीके से।
तो फ्रेंड इसकी जो दामन है वो गोल बनने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारी तकरीबन मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको चेक करवाएंगे। तो फ्रेंड हम सामने पैकेट के निशान भी लगा लेते हैं, जो मैं इस तरीके से लगाता हूँ, ये चेक कर लो। मैं यहाँ से नहीं लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ से लगाता हूँ। तो एक ही बात होती है, लेकिन आपको यहाँ से लगाओगे तो आपका आर्म होल कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो उसकी वजह से फ़र्क आ सकता है, जेब ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से लगाओगे तो आपका ये जो है जेब सही आ जाएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा। मैं 21.5 पे निशान लगाने वाला हूँ फ्रेंड, और आपको वो भी तरीका चेक करवाता हूँ। ये 3.5 पे लगाने वाला हूँ इधर, और ये मैं 7 पे लगा लूँगा फ्रेंड, तो आप चेक कर लें। अब यहाँ से भी चेक करवा लेते हैं आपको, जो हम वो नॉर्मल लगाते हैं 15 पे 16 पे, तो ये तकरीबन 15.5 पे आ रहा है फ्रेंड, वही तरीका है। बस थोड़ा यहाँ से बस घुमाने की बात है और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड अभी हम मैं इसकी गुलाई भी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा थी, तो हमने इसको ये अभी राजस्थानी कटिंग कर रहे हैं, तो हम उसी उस हिसाब से करेंगे, और आपको चेक भी करवाएंगे इसको जब ये तैयार हो जाएगा सूट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स की गोलाई इस तरीके से कर लिया करें। गोलाई का फार्मूला मैंने अपना अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, और मैं ये अंदाजे से करता हूँ फ्रेंड, तो आप चेक कर लें, आपको चेक करवाएंगे। तो ये गोलाई हो गई है फ्रेंड, अब आपको चेक करवाते हैं। बिल्कुल ओके है, चेक कर लो गोलाई। अभी हम इसका तीरा काटेंगे, वो आपको तरीका समझा लेते हैं फ्रेंड। ये मैं 1.25 पे निशान लगाऊंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, मैं ये तीरा आपको रख के चेक करवाऊंगा, जो मैं बगैर तीरे का काटता हूँ वो आपको मैं चेक करवाऊंगा। ये यहाँ से 1.25 है, तो 1.25 में यहाँ से ले लूँगा फ्रेंड, आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको अब मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ फ्रेंड इस तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ से मैं थोड़ी हल्की सी ये 270 की शेप देने वाला हूँ इस तरीके से। फ्रेंड यहाँ से हल्का सा शेप दे देंगे हम, मैं आपको काट के चेक करवाता हूँ। तो इसको इस तरीके से काट लिया करें, हल्का सा शेप दे दिया करें फ्रेंड इसे इस तरीके से। तो फ्रेंड हमारा जो तीरा है 16.5 का है, तो अभी मैं इसको सिलाई का मार्जिन देते हुए 8.5 पे निशान लगाऊंगा इधर बैक साइड में इस तरीके से, और इसको आपको काट के चेक करवाता हूँ फ्रेंड। आपने इस तरीके से काटना है, ऐसे मिलाते हुए ऐसे जाना है फ्रेंड। फ्रेंड ये हमारा कट चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं इसका। 17 पे हम काटेंगे अब तीरा इसका फ्रेंड। 17 का तीरा हम तैयार काटेंगे अब। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा 6 आ रहा है, तो हम तीरा काटेंगे फ्रेंड। फ्रेंड तीरे की मैंने मार्किंग की हुई है, ये पीस मैंने लिया हुआ है, चेक कर लो, 5.5 का ये पीस लिया था। इसमें मैंने 18 इंच का लिया हुआ है, 9 पे आ रहा है। तो फ्रेंड इसमें ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से भी शेप देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने 3 पे रखा हुआ है, और यहाँ से हल्की शेप छोड़ते हुए मैंने 3.5 पे रखा हुआ है, चेक कर लो 3.5 पे। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने रखा हुआ है 4.5 पे रखा हुआ है, चेक कर लो। तो फ्रेंड अब ये काट के आपको चेक करवाते हैं हम, और यहाँ से मैंने 4.5 पे रखा हुआ है, तो आपको ये तीरा काट के चेक करवाते हैं अभी। कुछ इस तरीके से काट लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी हम 17 पे काटेंगे इसको, तो वो शेप भी आपको चेक करवा लेते हैं। मैं 8.5 पे निशान लगाने वाला हूँ यहाँ पे, 8.5 पे लगाऊंगा।
यहाँ से फ्रेंड हमारा 6 आ रहा था इस तरीके से, मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा और उसको फ्रेंड मैं स्ट्रेट नहीं काटूँगा, हल्की सी शेप देने वाला हूँ इसके अंदर इस तरीके से। फ्रेंड ये शेप देने देने चाहिए, चेक कर लो। और मैं यहाँ से भी थोड़ा छांट लेता हूँ क्योंकि बैक साइड को मैंने छांटा हुआ, तो इसको भी छांटना चाहिए फ्रेंड इस तरीके से, और यहाँ पे कट लगा लेना चाहिए। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ रख के। फ्रेंड ये सिलाई का मार्जिन मैंने ऊपर रखा हुआ है इसके, चेक करवाते हैं कि हमारी लुक कैसे आ रही है, और वो बगैर तीरे की कटिंग भी आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड ये मैं 3.5 पे काटता हूँ, वही 3.5 आ रहा है, सिलाई का मार्जिन मैंने रखा हुआ फ्रेंड चेक कर लो। और ये यहाँ से 3 पे काटता हूँ तो वही 3 आ रहा है, और यहाँ से 3.5 वही आ रहा है फ्रेंड, बिल्कुल सेम तरीका है, बस एक बगैर तीरा और तीरे का नाम है, तरीका सेम ही होता है और एक जैसा ही बैठता है। तो आपको ये बिठा के भी चेक करवाता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड थोड़ा मैं छाट लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा बढ़ रहा है। फ्रेंड इसमें कलर लगेगा चेक कर लो, और उसका आलमोल की जो गोलाई है वो भी चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है हमारी। ये आ रही है 9 की आ रही है फ्रेंड, तो बिल्कुल सही आ रही है। तो हम इसकी अभी आस्तीन काटेंगे, वो तरीका भी आपको बताते हैं। फ्रेंड आस्तीन का पीस मैंने लिया हुआ है, और इसका जो हमने 9 पे रखना है फ्रेंड, तो यहाँ से मैं डाउनिंग इसको देने वाला हूँ, तकरीबन 4.25 पे देने वाला हूँ फ्रेंड इसकी डाउनिंग। ये थोड़ा फिटिंग में बनाना है, 4.25 पे देने वाला हूँ। यहाँ से मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ और आपको तरीका चेक करवा रहा हूँ फ्रेंड, तो कैसी शेप देने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा, यहाँ हमारे को सीधा आना है, यहाँ यहाँ के बाद गोलाई लेनी है इस तरीके से फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम गोलाई लेंगे। तो आपको मैं काट के चेक करवाता हूँ। ये शेप देनी है फ्रेंड, और इसको भी हमने 1.25 इंच तक, आधा इंच 1.25 इंच अंदर काटना है इस तरीके से। ये शेप देनी है, यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 21 इंच है, तो मैं फिक्स काटूँगा कफ अलावा इसके साथ में। फ्रेंड ये हम फिटिंग में बनाने वाले हैं, तो 5.5 पे निशान लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और ये वाला निशान लगाऊंगा मैं 6.25 पे लगाऊंगा कोनी वाला, और ये हमारा 9 की है तो 9 पे लगाऊंगा फ्रेंड। तो हम निशान मिला लेते हैं कर्व की मदद से, कुछ इस तरीके से मिला लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड हम काट के चेक करवाते हैं आपको। फ्रेंड सीधे कपड़े में मैंने आस्तीन काटी हुई है, तो ये बिल्कुल घूमेंगी नहीं, सीधी खड़ी हो जाएगी। फ्रेंड फ्रेंड इसका चाक पट्टी का जो काटने का है वो मेरा अपना ही अंदाज़ है, तो मैं सीधे काटूंगा, आप चेक कर लें। आस्तीन कटी हुई है, यहाँ से मैं 1/2 इंच इसको ऊपर चढ़ा के रखूँगा इस तरीके से, और 1/2 इंच इसको ऊपर चढ़ाऊँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं काटूंगा फ्रेंड। फ्रेंड ये अब ये भी चेक कर लो कि ये लुक कैसी आ रही है, ये भी चेक कर लो फ्रेंड। तो अभी मैं काटूंगा इसको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से 21 पे काटूंगा इसको, और स्ट्रेट काट लूँगा फ्रेंड तरीके से काट लूँगा। फ्रेंड 5.5 पे इसकी हम चाक पट्टी काटेंगे, तो साढ़े पाँच पे काट लिए है फ्रेंड। तो हम आपको इसको सीधा करके चेक करवाते हैं फ्रेंड कि हमारी लुक कैसे आ रही है। फ्रेंड मैंने इसको स्ट्रेट काटा हुआ था, कोई वो घुमा फिरा के नहीं काटा हुआ था, चेक कर लो। ये यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये आस्तीन जब हम लगाएंगे तो सीधी खड़ी हो जाएगी, खिंचाव विंचाव नहीं होगा आएगा इसके अंदर। तो फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसी लगी है, ये हम जो हमारे फ्रेंड राजस्थान से हमारे को देख रहे हैं उनके लिए मैंने बनाई है खास।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना फ्रेंड। इसके साथ इजाज़त देना, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।